धनबाद बीसीसीएल कोलेरी कोल वॉशरी में सुरक्षा को दरकिनार कर कोयला उत्पादन कंपनी कर रही है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत न्यू मधुबन कोल वॉशरी में घटित हुआ, जहां रॉ कोयला सेक्शन में कार्य के दौरान बीसीसीएल कर्मी अर्जुन राम हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। कोल कर्मी रॉ कोयला सेक्शन में काम कर रहा था, जहां से 70 से 80 फीट गहराई में गिर गया। शरीर में काफी चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हुई। परिजन यूनियन प्रतिनिधि को जानकारी होने पर सभी मौके पर पहुंचे। शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। परिजन यूनियन प्रतिनिधि शव को रख नियोजन मुआवजे की मांग कर रहे थे, वहीं काम को बाधित कर दिया गया। परिजन यूनियन प्रतिनिधि सुरक्षा में भारी कमी, लापरवाही होने के कारण घटना होने की बात कह रहे हैं, जबकि सेफ्टी ऑफिसर कर्मी के मौत होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक तरफ कर्मी के परिजन यूनियन प्रतिनिधि शव को रख नियोजन की मांग करें, वहीं दूसरी ओर सेफ्टी अधिकारी मृतक को मरीज बता रहे हैं। इलाज डॉक्टर जांच के बाद कुछ कहने की बात कह रहे हैं, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात किया, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। वही मृतक कर्मी के पुत्र ने कहा कि पिता की मौत कार्य के दौरान हुई, मुआवजा नियोजन नहीं मिलने तक शव रखे रहेंगे। पिता ने कहा था जहां काम करते हैं सुरक्षा नहीं है। वहीं सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई होगी। यूनियन प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा की कमी के कारण मजदूर की मौत हुई है, शव छत विछत हो चुका है। ऐसे में अधिकारी कह रहे हैं कर्मी का इलाज कराएंगे, संवेदनहीनता को दिखाता है, अफसरशाही हावी है, नियोजन मुआवजा तत्काल नहीं दिया जाता, तब तक काम बाधित रहेगा। क्या घटना हुआ तो पता नहीं, हम लोग तो सुने कि पापा तुम्हारा दब गया है, उसका बाद आए हम लोग। हाँ, क्या ड्यूटी करते थे? यही रहे थे, करते थे माल ताल हटाते थे। कितना उम्र था पापा का? क्या नाम था? अर्जुन राम। घटना क्या हुआ, क्या जानकारी? हम लोग कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिली। अभी क्या स्थिति? अभी तो कुछ नहीं, आ रहे हैं भैया लोग, जा रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, इंडियन लोडर से रही सबसे बातचीत हो रहा है। अभी स्थिति क्या है पिताजी का? पिताजी तो डेट हो गई। कितना घंटा हुआ? करीब तो लगभग 3-4 घंटा बीत गए। सुरक्षा को लेकर कभी कुछ बताया ना? उससे तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में हम लोग को बताया गया था पापा की, मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ बहुत मतलब खराब तरह का इलाका है, सुरक्षा नहीं। हाँ नहीं। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी क्या मांग करेंगे हम लोग, जो है विशेषज्ञ के द्वारा वही हम लोग मांग करेंगे, और क्या मांग करेंगे। यहाँ पर बॉडी कब तक रहती है? जब तक तो मांग पूरा नहीं हो। मांग क्या है आप लोग? नौकरी दिया जाए, जो सरकार तौर से जो मिला जाता है मुआवजा वो दिया जाए। जानकारी मिली कि वो उनका दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई है, वो काम कर रहे थे रिसीविंग पीट में, वहाँ एक बेड है जहाँ पे पिकिंग होता है, एक नेट लगा हुआ है जहाँ पे बड़ा पीस जो है पत्थर और कोयला अलग करने का वो एक सेक्शन है वहाँ पे, तो वहाँ पे बेड के बगल में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब लगभग हमको लगता है 60-70 फीट गड्ढा हो। वहाँ रेलिंग नहीं था जहाँ पे ये गिरे हैं, बेड के तरफ से ही या आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, इसी दरमियान हमको लगता है इनका पैर स्लिप किया या पता नहीं कैसे ये चले गए उसमें और गिरने से इनकी मृत्यु हुई। देखिए जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई वहाँ पर रेलिंग तो बिल्कुल होना चाहिए कम से कम, और रेलिंग ही नहीं वहाँ पर मेरा हिसाब से दीवार होना चाहिए। तो कोयला यहाँ पे डंप किया जाता है और बगल में इतना गड्ढा है, नीचे मोटर है, पंप है, सब लोग वहाँ आते जाते हैं, चेक करते हैं। है लोहा का सामान? लोहा का सामान है, नीचे लोग काम करना है, सीढ़ी से लोग नीचे उतरता है, ऊपर से इतना छोटा कोयला अभी अगर यदि गिरेगा तो लोगों को दुर्घटना कर सकता है, इसलिए वहाँ पे तो पूरा पैक होना चाहिए वो। लेकिन वहाँ रेलिंग भी नहीं था, अगर रेलिंग रहता तो इनकी जान बच जाती। अभी हम लोग का डिमांड है, ये हम लोग का मजदूर है, हम लोग यहाँ पे सारे यूनियन के लोग हैं साथ में, हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग का जो फेटल जो बेनिफिट होता है एक्सीडेंट का वो मिलना चाहिए, फेटल एक्सीडेंट का जो पैसा है मुआवजा वो चाहिए, लाइफ रिकवर स्कीम का पैसा चाहिए, और तत्काल नियोजन चाहिए इनका, एक आश्रित को तत्काल यहीं पे आज ज्वाइनिंग, आज हाजिरी बनना चाहिए आज का डेट से। मैनेजमेंट से तो बात हुई? प्रबंधन दूरभाष से बात हुई है, प्रबंधन तैयार भी हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग कर देंगे। वो डॉक्टर नहीं आ रहे थे सुबह से, डॉक्टर आए हैं अभी चेक करके गए हैं, तो वो बोले कि ठीक है वहाँ से जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे हम लोग करेंगे। इनके घर वाले परिजन को बुलाया गया है, वो लोग आए हैं। आरोप है तो इंक्वायरी का विषय है ना, इंक्वायरी का विषय है, लापरवाही जांच होगी। घटना क्या हुई?
घटना के बारे में फैक्ट अभी हमको नहीं मालूम है और जवाब देने के लिए हम यही नहीं है। बताया जा रहा है कि रेलिंग नहीं था जिसके कारण वो वहाँ पर गिरा है। वो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है। यहाँ जांच की जाएगी, जांच के बाद जो जिम्मेवार व्यक्ति होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन तो हम लोग का प्राथमिक यही है कि जो पेशेंट है उसको न्याय दिलाया जाए, उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं हम लोग, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया की जाएगी जो होगा। आप पेशेंट बोल रहे हैं, आप क्या बचा हुआ है क्या? तो डॉक्टर बताएंगे ना, डॉक्टर बताएंगे। नहीं उसको देखिए, हम कैसे बोल सकते हैं, डॉक्टर का बोले ना। कितना देर से यहाँ पर वो आपका पेशेंट? लगभग 2 घंटे हो गए। चोट कहाँ लगी है उनको? बगल में हॉपर के पास लगा है। अगर चोट लगी तो पहला तो इलाज होना चाहिए। इलाज के लिए हम लोग ले जाना चाह रहे थे पर यहाँ पर जो पब्लिक है आप लोग जाने नहीं दिए, बोले थे डॉक्टर यहीं आएंगे। अब क्या स्थिति है उनकी? अब इसके बारे में डॉक्टर बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं? आपका क्या कहना है, वो अभी जीवित है? हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते।